बहुत अच्छा था, इससे हम लोगों ने कुछ सीखा है और ये पक्का है कि इससे हम लोग फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकते हैं। और जो मैंने सॉफ्ट स्किल लिया दैट वाज बेस्ट, एंड देन मार्शल भैया हु वाज आवर कोऑर्डिनेटर, ही वाज द बेस्ट टीचर और ही इज अ वेरी गुड गाइडर टू। बेस्ट डिसीजन आई हैव टेकन एंड पुनीत है और मैंने आर्ट ऑफ मेमोराइजिंग इसलिए चुना क्योंकि मेरा जो लर्निंग स्किल है वो अच्छी है, उन्हें और अच्छा करना आता था इस वजह से। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जैसा आप इस पोस्टर देख सकते हैं ड्रीम एडवांस, यहाँ पे काफ़ी सारी वर्कशॉप दे रखी है। इसमें मैंने रैपिड मैथ्स को चुना था। रैपिड मैथ्स में हमें मनी सर जो हमारे कह सकते हैं कोऑर्डिनेटर या टीचर थे, उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया, काफ़ी सारी शॉर्टकट ट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल कैसे 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम बहुत क्विकली निकाल सकते हैं और 3 डिजिट का नंबर भी बहुत क्विकली स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं या स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं और ऐसी काफ़ी चीज़ें सीखें। हमें उन्होंने काफ़ी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की ट्रिक्स बताई और उन्हीं पर उन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के कई सारे क्वेश्चन कराए। मेरा नाम अहमद है और मैंने अभी ड्रीम एडवांस का ज्वाइन करा था वर्कशॉप, जो मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे मेंटर थे मिस्टर कृष्णकांत सिंह सर, उन्होंने हमको बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया, हम लोगों को पूरे कैमरे के बारे में सब कुछ बताया, थोड़ी बहुत AI के बारे में बताया, हर एक चीज़ परफेक्टली उन्होंने बताया। हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं बताते हैं, उनको सिलेबस कंप्लीट करना है, पढ़ाई करानी है, तो हमें ये 10 दिन यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हम अपने आप को कितने अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला। हाँ, हमारा बढ़िया रहा कि हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने वर्कशॉप पढ़ाई, उन्होंने अडॉप्ट की थी, जैसे हम मांशु भैया को ले सकते हैं, बढ़िया है, कॉमेडियन टाइप है थोड़े, हाँ बढ़िया है, उनके पढ़ने में मज़ा आया, पॉलिटिकल था मगर बोर नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बता रहे मचाएंगे और सबको स्टाइल में थोड़ा सिनेमा टाइप उन्होंने कर दिया, स्टैंड अप कॉमेडी है बढ़िया। हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि रैपिड मैथ हुई, एरोबॉटिक हुई एंड सो मैनी थिंग। तो मैंने उसमें रैपिड मैथ में चूज़ करा, रैपिड मैथ में जो चीज़ों में मुझे सॉल्यूशन करने में 1 पन्ना लगता था, आज मैं वही सॉल्यूशन आधे पन्ने में निपटा रहा हूँ। मुझे बहुत सी ट्रिक्स इसमें बहुत अच्छी लगी। मेरे जो टीचर थे मनी भैया, मुझे उनसे भी बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिली और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर अगली बार ये वर्कशॉप यहाँ पर लगे तो आप ड्रीम एडवांस ज़रूर कॉन्टेक्ट करें एंड इस वर्कशॉप को ज़रूर अटेंड करें। एंड मैं यकीन मानता हूँ इस बात का कि आप इस वर्कशॉप से बहुत कुछ सीख के जाएंगे।